हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नारनौंद हलके में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीम व पूर्व सांसद हुसैन चौटाला ने नारनौंद हलके के गांव कापड़ो खेड़ी चाल कामड़ा गांव डाटा कुराना गांव में अपनी पार्टी का प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने हुसैन चौटाला का जोरदार स्वागत किया। पूर्व सांसद हुसैन चौटाला ने कहा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र में बेटियों का अपमान हो जाता है। कभी क्षेत्र के लोग पीने के पानी को लेकर धरना देने को मजबूर हो जाते हैं तो कहीं पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वित्त मंत्री अपने क्षेत्र की लोगों की आधारभूत समस्याओं का समाधान तो नहीं कर पाए, उनसे प्रदेश स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद हलके के गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 सितंबर को रोहतक में आयोजित होने वाली जननायक स्वर्गीय देवीलाल के सम्मान समारोह के लिए हलके के लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे हैं। पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला आज 8 गांव के किसानों के धरने पर भी उनकी मांगों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री के खुद के हलके में किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और किसानों की समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसानों की माइंडर बनाने की ऐसी मांग है जिसे प्रदेश सरकार ने मंजूर कर दिया, परंतु अब इस मंजूरशुदा प्रोजेक्ट के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण की जो अड़चन भाजपा सरकार द्वारा लगाई जा रही है उसे हल करना हरियाणा सरकार का एक चुटकी का काम है। जाहिर है कि वित्त मंत्री का इस काम को करने में कोई रुचि नहीं है। एक समस्या है जो माइनर यहाँ निकलना था जिसको हरियाणा सरकार ने पूरी तौर पर अप्रूव भी कर दिया, उसके लिए फंड एक्वायर कर ली। आज केवल मात्र जमीन एक्वायर ना करने की वजह से और किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम रजिस्ट्री कराओ, और कई ऐसे इंतकाल हैं जो लोग आज यहाँ ही पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी रजिस्ट्री आज संभव नहीं है। 6 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी वित्त मंत्री का हलका है और कोई कदम ना उठाया जाना, ये साबित कर देता है कि सरकार फिर किसान के प्रति गंभीर नहीं है। अगर चाहती सरकार तो नेशनल हाईवे में करोड़ों रुपए बांटती। ये तो 6 किलोमीटर एक्विजिशन थी और इतनी चौड़ी भी नहीं। सरकार की नियत होती तो एक्विजिशन तो शायद आज से 6 महीने पहले एक्वायर होकर ये माइनर पूरी तौर पर कम्प्लीट जी। किसान आज उचाणा की कार्यकर्ताओं की रैली की बैठक थी और नारनौंद हलके के कार्यकर्ताओं के लिए आगामी 22 तारीख को होने वाले जननायक चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 106वें सम्मान दिवस का न्योता आज लोगों को देने यहाँ आए हैं और सबसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बार नारनौंद हलके से ऐतिहासिक संख्या में हम सब रोहतक पहुँच कर चौधरी देवीलाल जी को अपने सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित। जी नारनौंद हलके की आप टिकट की घोषणा कर चुके हैं तो चुनाव कैसा चल रहा है? हमारे बीच में पूर्व विधायक रहे दादा गौतम को उम्मीदवार बनाया है और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ ये वित्त मंत्री का हलका है, आज लोग जितना परेशान बीजेपी सरकार से उतना ही ज़्यादा परेशान, उससे ज़्यादा शायद परेशान लोकल विधायक से। yes, लोग बदलाव चाहते हैं और अब वोट की चोट मारकर इसका जवाब।